हेलो एवरीवन, आज है 2 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए 96 रुपीज के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आज बहुत बड़ी रैली देखने को मिली और आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से बढ़िया रैली ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिल रही है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करें तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, जब शेयर में गिरावट आई थी, जब टाटा मोटर्स के शेयर में भी गिरावट आई थी, तब भी मैंने कहा था कि भैया खरीदारी की है तो डरने की जरूरत नहीं है, बने रहो, बढ़िया मौका है और खरीदारी करना चाहो तो करो, बढ़िया मौका। यही तो मौका होता है कि आप शेयर में खरीदारी करते हो और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलते हो तो आपको बढ़िया मुनाफा होता है। 96 रुपीज के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड करा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अब क्या करना चाहिए, जब इतनी बड़ी रैली आ चुकी है तो अब क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए कि नहीं या और फर्दर खरीदारी करनी चाहिए। तो देखिए वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 96 रुपीज के ऊपर ये शेयर है, पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 3.65% का ग्रोथ है। लेकिन आप देखिए शेयर कहाँ था, 80 रुपए के आसपास ये शेयर टूट रहा था। हालांकि 93 रुपीज के ऊपर शेयर था, गिरावट आई, 80 रुपए पर आया, वापस तेजी आई, 87 पर आया, वापस गिरावट आई, 80 पर आया, और उसके बाद शेयर में कंटिन्यूस ग्रोथ है, कंटिन्यूस शेयर नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। 96 रुपीज तक पहुंच चुका है। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में आप देखेंगे 200 रुपए के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया है। कोविड-19 के वक्त 65 रुपए तक टूट गया था, 65 रुपए तक ये शेयर टूट गया था। और ये वो वक्त था, तब मैंने काफी वीडियोज भी बनाए थे उस वक्त से लेकर अब तक, और मैंने हमेशा एक ही चीज कही है कि खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो खरीदारी कर सकते हो। और शेयर में बड़ी रैली आप अभी देखने को मिल भी रही है। यहाँ पर पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में टाटा मोटर्स में 80% तक की गिरावट है। 475 रुपए से भी ज्यादा प्राइस पर शेयर ट्रेड कर रहा था, कंटिन्यूस टूटा है शेयर। और उसका रीजन ये था, जैगुआर जैगुआर लैंड रोवर कंटिन्यूसली लॉस में जा रहा था। और जैगुआर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा उनका जो बिजनेस है वो चाइना है और तो और यूरोपियन कंट्रीज है। और ब्रेग्जिट की वजह से यूरोपियन कंट्रीज और चाइना में इनको इनके बिजनेस को काफी ज्यादा फटकार पड़ी थी, शेयर टूट के बिखर गया, इनकी गाड़ियां बिक ही नहीं रही थी, बहुत ही कम गाड़ियां बिक रही थी और खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था। शेयर में कंटिन्यूस गिरावट आती चली गई, लेकिन बाद में जब शेयर 110 रुपए के आसपास पहुंचा पिछले साल 2019 के एंड में, तब रिपोर्ट आना शुरू हुई कि जैगुआर ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, जैगुआर प्रॉफिट कर रहा है और शेयर सीधा 200 रुपए तक पहुंच गया। और इस साल जनवरी के एंड में शेयर 200 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन बाद में कोविड-19 की खबर आई, शेयर में गिरावट आई। चाइना में कोविड-19 की खबर आई, शेयर में गिरावट आई, क्योंकि जैगुआर का एक बहुत बड़ा जो मार्केट है वो चाइना भी है। और ज्यादा गिरावट आई जब यूरोपियन कंट्रीज में ये फैला और शेयर टूट के तब बिखर गया जब इंडिया में भी केसेस ज्यादा आ गए और 65 रुपए पर शेयर आ गया। लेकिन धीरे धीरे तेजी आ रही है क्योंकि भैया लॉकडाउन खुलता जा रहा है, बाकी कंट्रीज में भी धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं और जो बिजनेस है वो धीरे धीरे वापस लौटना शुरू हो रहे हैं। तो उसी के चलते धीरे धीरे तेजी भी हमें देखने को मिल रही है। लार्ज कैप स्टॉक है, 28,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 12.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है, 12.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। और तो अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर के पास 42.39% की होल्डिंग है। एफआईएस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, तीनों ने थोड़ी सी होल्डिंग कम की है। एफआईएस के पास 16.84% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.14% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.94% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर यहाँ पर कौन है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 44.10% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। हालांकि 4% की जो उनकी होल्डिंग है वो गिरवी भी है। 45 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 490 एफआईएस भी यहां पर इन्वेस्टेड है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है, जिनके पास 5.32% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.18% के आसपास है। 10% का डिविडेंड 2016 में पे किया था, उसके बाद डिविडेंड पे नहीं किया है। टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ट्रेड काफी हाई इसका देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा शेयर्स में यहां पर काफी ज्यादा खरीदारी और बिकवाली का काम चल रहा है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी बढ़िया इसकी दिखाई दे रही है। और तो और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 48% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 50% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। तो 50% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया बढ़िया तेजी आ चुकी है, अब शेयर टूट भी सकता है तो एग्जिट कर लो।
जबकि 48% लोग कह रहे हैं कि बढ़िया मौका है, खरीदारी अभी भी कर सकते हो। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो टाटा मोटर्स की जो शेयर में तेजी की वजह जो है वो ये है कि टाटा मोटर्स की जितने भी प्लांट्स थे अक्रॉस इंडिया और बाकी जगह भी, तो वहां पर वो सारे के सारे काम करना शुरू हो चुके हैं, तो उनको परमिशन मिल चुकी है। जैसे कि अगर बात करें तो देखिए, जैगुआर लैंड रोवर रिज्यूम प्रोडक्शन एट साउथर्न प्लांट यूके, जो कोविड-19 की वजह से जो इनका प्लांट्स बंद थे, अब शुरू करने का परमिशन मिल चुका था यूके में जगुआर के जो प्लांट्स थे। इंडिया में भी टाटा मोटर्स के जो प्लांट्स हैं उनको भी शुरू करने का परमिशन मिल चुका है और बहुत सारे प्लांट्स ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिए हैं, तो इसीलिए एक तेजी यहाँ पर देखने को जरूर मिल रही है। यहाँ पर हम अगर बात करें तो दिसंबर का क्वार्टर में कंपनी ने बढ़िया मुनाफा कमाया है, 1950 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने बुक किया है, और ये काफी अच्छी बात है क्योंकि पहले कंपनी थोड़ी सी स्ट्रेस में थी, लॉस काफी ज्यादा हो रहा था। सितंबर में सिर्फ 175 करोड़ का ही प्रॉफिट था और जून में तो अगर हम देखें तो 3,434 करोड़ तक का लॉस था, मार्च में 1,150 करोड़ का लॉस था, दिसंबर में 26,000 करोड़ का लॉस था। 26,000 करोड़ का लॉस इसीलिए था क्योंकि 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका खर्चा हो गया था, और खर्चा इसलिए हुआ था क्योंकि ये सारा जो लॉस है ना वो जैगुआर की वजह से हुआ था, जैगुआर लैंड रोवर की वजह से ये बहुत सारा लॉस हुआ था, और इसी के चलते इनके जो ऑपरेशंस है उनके ऊपर काफी बड़ा फटका भी पड़ा था उसकी वजह से, और शेयर में तभी एक बहुत बड़ी गिरावट शुरू हो गई थी। और इसीलिए 2018-2019 से शेयर ऐसा टूटना शुरू हुआ कि वापस ये रुकने का नाम ही नहीं लिया, लेकिन 2019 के एंड में धीरे धीरे शेयर संभलता जरूर दिखा जब अच्छे नतीजे पोस्ट करना शुरू किए, जब जैगुआर धीरे धीरे प्रॉफिट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर जो है ना वो बहुत बड़ी क्वांटिटीज में खरीदारी कर रहे हैं। पहले आप देखिए 43.19% की होल्डिंग थी प्रमोटर के पास, अब 47.31% की होल्डिंग है, एक बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर ने इंक्रीज किया है। और तो और पहले जो गिरवी शेयर 4.67% थे अब वो 3.95% है, मतलब प्रमोटर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद तो रहा ही है लेकिन उसके साथ साथ जो गिरवी रखे हुए शेयर है उसको भी ये लोग छुड़ा रहे हैं, तो काफी पॉजिटिव साइन यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से देखने को मिल रहा है। और प्रमोटर जब खरीदारी करते हैं तो समझ जाओ कि वो शेयर एक बढ़िया तेजी की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि प्रमोटर्स को पता रहता है कि भैया उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या क्या वो लोग प्लान करने वाले हैं और किस तरीके से वो लोग आगे बढ़ने वाले हैं। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, हाँ थोड़ी नहीं हालांकि बहुत ज्यादा होल्डिंग कम की है, 21.96% की होल्डिंग 18.79% पर आ चुकी है और कंटिन्यूअस उन्होंने अपनी होल्डिंग गिराई है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी होल्डिंग गिराई है, 8.58% की जो होल्डिंग थी अब वो 7.74% है। म्यूचुअल फंड के अपने भी होल्डिंग गिराई है, जो 8.89% की होल्डिंग थी अब वो 6.86% की होल्डिंग है, मतलब प्रमोटर बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद रहे हैं जबकि उसके बिल्कुल उलट एफआईएस बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। यहाँ पर ओवरऑल जैसे कि मैं बात करूँ टाटा मोटर्स की, अगेन टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ा ब्रांड है, टाटा मोटर्स इंडिया में बहुत बड़ा ब्रांड है, और टाटा मोटर के साथ ही जैगुआर लैंड रोवर को भी काउंट किया जाता है, तो जैगुआर भी एक बहुत बड़ी ब्रांड है। जैगुआर लैंड रोवर, रेंज रोवर, आपने काफी सारी इनकी कार्स देखी होगी, प्रीमियम कार बनाती है ये और काफी बड़ा नाम है इनका चाइना, यूके में और इवन इंडिया में भी एक बहुत बड़ा नाम इनका बन चुका है। ओवरऑल मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में अभी भी काफी ज्यादा दमखम है, अगर आपने खरीदारी की आप चाहे तो निवेशित यहाँ पर रह सकते हैं, पैनिक करने की जरूरत नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो बने रहें जरूर, शेयर बढ़िया है, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको आने वाले दिनों में जरूर कमा के देगा अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है। अगेन मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म का अगर आपका नजरिया है तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट आती भी है तो आप फर्दर खरीदारी भी यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गिरावट तो आएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि शेयर में गिरावट नहीं आएगी। आप खुद देखिए यहाँ पर 65 रुपीज के ऊपर शेयर था, बढ़िया रैली आई, 93 रुपीज तक चला गया, वापस टूट के करिए 80 रुपए पर भी आया था, तो यही होगा अभी शेयर 96 रुपीज पर जरूर है, यहाँ से वापस ये टूट कर 85 रुपए पर भी आएगा, 80 रुपए पर भी आएगा, लेकिन वापस शेयर आपको 100-150 रुपए पर भी जाता हुआ देखने को मिल जाएगा कुछ महीनों में। अगर आप यहाँ पर 1 साल का टाइम पीरियड लेके चलते हैं तो आराम से ये शेयर 150 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। खरीदारी की है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बने रहे, और फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसआईपी मोड में ही करें। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले से 20 शेयर खरीदे, बाद में अगर गिरावट आती है और जो आएगी
तब आप और 20 क्वांटिटी खरीद सकते हो, फिर वेट करें, फिर अगर और ज्यादा गिरावट आई तो और आप थोड़ी क्वांटिटी खरीद सकते हो। इस तरीके से छोटी छोटी क्वांटिटी आप यहाँ पर लगाइए और लंबी दूरी का प्लान लेकर चलिए, कम से कम 1 साल का यहाँ पर प्लान लेकर चलिए, जरूर आपको यहाँ पर फायदा होगा ही होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।